बेगूसराय ज़िले में अब अमरूद की बागवानी के लिए भी सरकार की कार्य योजना तैयार की गई है। जिला उद्यान पदाधिकारी राजीव रंजन के मुताबिक अब बेगूसराय ज़िले में अगर किसान अमरूद की बागवानी करते हैं तो इन्हें 50% तक सहायता राशि दी जाएगी। दरअसल अब तक बेगूसराय ज़िले के किसान या अन्य जो खेती करना चाहते थे अमरूद का, वो लोग एक या दो पौधा या छोटे स्तर पर खेती करते थे, जिसके कारण मुनाफा भी नहीं हो पाता था और बाजार मूल्य भी नहीं मिल पाता था। बढ़िया पैर नहीं मिलता है, बढ़िया नहीं तो उपज नहीं होता है, बिक्री बट्टा ये नहीं होता है। गुणवत्तापूर्ण पौधे मिले तो करेंगे खेती। हाँ, ये बेगूसराय में पहली बार उद्यान अमरूद की बागवानी के लिए उद्यान विभाग सहायता करेगी और 50% सहायता देगी। इसको लेकर जिला उद्यान पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया। ये बात है, मतलब आम, लीची, केला और पपीता ही हमारे यहाँ लक्ष्य प्राप्त होता था, लेकिन मैं बता दूँ इस वर्ष जो है गुआवा का संभावना को देखते हुए हमें 5 हेक्टेयर का लक्ष्य मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में प्राप्त हुआ है। इसमें मैं बता दूं कि 1 हेक्टेयर में 3×3 मीटर पे हम लोग लगाते हैं, तो 1111 पौधा इसमें लगाना होता है और ये पौधा दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा योजना है, किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, पहले और पहले पाव की तरह इसमें लाभ ले सकते हैं। जिले के चेरिया, बरियारपुर, मछवारा, तेघरा आदि प्रखंडों में अमरूद की अच्छी बागवानी की जा सकती है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए नीरज कुमार।